बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर कानपुर से है। कानपुर से अगली खबर, जहां से शुरू होगी रोड सेफ्टी लीग। आपको बता दें कि कानपुर में आज से रोड सेफ्टी लीग की शुरुआत हो रही है। रोड सेफ्टी लीग के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। डीएवी तिराहे से मर्चेंट चैंबर तक नो व्हीकल जोन बनाया गया है। इसके चलते कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, शाम 6 बजे से मैच की समाप्ति तक ये नो व्हीकल जोन रहेगा। आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे ग्रीन पार्क स्टेडियम में ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। रोड सेफ्टी लीग का ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। इंडिया लेजेंड्स और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा, जिसको लेकर रूट डायवर्जन किया गया है प्रशासन के द्वारा। किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके चलते रूट डायवर्जन किया गया है। ये कानपुर से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज ग्रीन पार्क में खेला जाएगा रोड सेफ्टी लीग का पहला मैच। आपको बता दें कि इंडिया लेजेंड्स और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के बीच में ये मैच होगा, जिसके चलते डीएवी तिराहे पर रूट डायवर्जन किया गया है। शाम 6 बजे से मैच की समाप्ति तक रूट डायवर्जन रहेगा और नो व्हीकल जोन बनाया गया है। ये कानपुर से आज तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज से रोड सेफ्टी लीग की शुरुआत हो गई है। आज रोड सेफ्टी लीग का पहला मुकाबला है। ये मुकाबला ग्रीन पार्क में आयोजित किया गया है। शाम 7:30 बजे ये पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा रूट डायवर्जन किया गया है। इसके साथ ही नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है। शाम 6 बजे तक ये नो व्हीकल जोन रहेगा। आपको बता दें कि रोड सेफ्टी लीग के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। इस बार हमारे साथ ग्रीन पार्क स्टेडियम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल। विशाल, ये आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज रोड सेफ्टी लीग का पहला मैच है, इस मैच को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल, इस टाइम मैं ग्रीन पार्क गेट पे हूँ। यहीं से प्लेयर्स की एंट्री होनी है। ये ग्रीन पार्क का जो गेट है, यहीं से सारे प्लेयर्स की एंट्री होनी है। और यहाँ पे सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बिना कार्ड होल्डर्स जो भी हैं, और जिस कार्ड से जिसकी एंट्री गेट से एंट्री है, उसकी गेट सबकी एंट्री कराई जा रही है। साथ ही सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभी ग्राउंड के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज विजिंग टीम जो है वो कहीं ना प्रैक्टिस कर रही है। अभी 12 से 1 बजे के करीब भारतीय टीम और अफ्रीका की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करने आएंगी। और साथ ही साथ सब लोग यहाँ पे जो फैंस का ताता है, वो सचिन तेंदुलकर को देखने के लिए, वो सुरेश रैना को देखने के लिए, वो जॉन्टी रूट्स को देखने के लिए यहाँ पर आ चुका है। ग्राउंड पे ठीक ठाक लोग अभी भी प्रैक्टिस देख रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। स्वाति जी, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा कोई दिक्कत ना हो, सब आसानी से हो जाए, इसके लिए रूट डायवर्जन किया गया है और नो व्हीकल जोन भी बनाए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, डीएवी तिराहे से और मैचिंग नंबर तक यहाँ पर नो व्हीकल जोन बनाया गया है। क्योंकि पिछली बार की तरह अगर मैच की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी, जो समस्या आ रही थी, वो आ रही थी जाम की और लोगों को कन्वेंस की। कहीं ना कहीं अभी इसमें भी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग एरिया है ग्रीन पार्क स्टेडियम का, वहां के लोगों को अभी व्हीकल पास नहीं मिले हैं। तो देखना होगा शाम 6 बजे से मैच के समाप्ति तक जो रूटीन बनाया गया है कि यहाँ पर नो व्हीकल जोन होना है, चैंबर तक यहाँ के बीच लोग रहते हैं वो कैसे आते हैं, उनके लिए क्या नया रूट निर्धारित किया गया, ये भी देखने वाली बात है सर जी। और मैच की जिस प्रकार तैयारी कहा जा रहा है कि शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होने वाला है, तो जो रेजेंट्स हैं, जो अफ्रीका की और इंडिया की टीम है, वो कितने बजे तक यहाँ पहुंचेंगी? देखिए बिल्कुल, अगर बता दें 1 बजे के करीब प्रैक्टिस सेशन की बात कही जा रही है। जैसे अभी हम लोग ग्राउंड में थे, मैं ग्राउंड में था, तो वहां पर चला कि 1 बजे के करीब दोनों टीमें यहाँ पर आएंगी और अभ्यास करेंगी, क्योंकि जिस तरह से धूप भी बहुत तेज है, तो कहीं ना कहीं धूप को देखते हुए भी, क्योंकि शाम को भी यहाँ पर रूट सेफ्टी लीग 2022 का ये पहला मुकाबला है, यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, तमाम और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो जिसको देखते हुए दोनों टीमें जो है लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच ग्राउंड पर आ जाएंगी। उसके बाद अभ्यास करेंगे और 7 बजे यहाँ पर टॉस होगा, 7:30 बजे यहाँ पर मैच खेला जाएगा। और सबको सबसे उम्मीद है कि बहुत लंबे समय बाद हम सचिन को खेलते देखेंगे, बहुत लंबे समय बाद हम जॉन्टी रूट्स को वहां पर क्रिकेट के ग्राउंड में वापसी करते देखेंगे। ऐसे तमाम जो लेजेंड्स हैं, अगर बात करें हम श्रीलंका की टीम की, तो यहाँ पर तमिका प्रसाद जैसा बड़ा प्लेयर श्रीलंकन टीम के साथ है, बांग्लादेश की टीम आई हुई है,
अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज में भी सुलेमान बेन, देवेंद्र बिशू, ऐसे तमाम ऐसे प्लेयर हैं जिनको क्रिकेट प्रशंसक देखना चाह रहे हैं। जी, अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद विशाल। तो आपको बता दें कि आज रोड सेफ्टी लीग के पहले मुकाबले की शुरुआत होगी। इसके लिए प्रशासन के द्वारा रूट डायवर्जन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि डीएवी तिराहे पर ये रूट डायवर्जन किया गया है। इसके साथ ही नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है।